आशीष केलकर साहब मेरे साथ मौजूद। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका सर निफ्टी पे। कॉल किया आज के लिए। गुड मॉर्निंग। निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो 8050 एक लेवल है जहाँ पे मैं मानता हूँ छोटा चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो मेरा व्यू माइट बुलिश हो जाएगा और करीबन 70-100 पॉइंट्स का मूव एक्सपेक्ट करता हूँ अगर 8050 क्रॉस करता है तो। फिलहाल वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए इंडेक्स के ऊपर, स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखना ज्यादा अहम माना जाएगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक मेटल से शुरुआत करते हैं कि कल से हम यही बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिछले सीरीज में जहां पर खरीदारी हुई थी वो थे मेटल स्टॉक्स, और आज सीरीज की शुरुआत में सभी आउट परफॉर्म कर गए। नैल्को, हिंद कॉपर, एनएमडीसी, टाटा स्टील, वेदांता, ये स्टॉक ऊपर है। कोई स्टॉक पसंद है आपको इस सेक्टर में? बेसिकली इस सेक्टर में से टाटा स्टील एक अच्छा स्टॉक अभी दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर। मैं मानता हूँ कि 417-420 के लेवल पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर इसको वो ये स्टॉक क्रॉस करता है तो मैं मानता हूँ कि 432 तक भी ये स्टॉक जाने की संभावना है, तो इस स्टॉक पे नजर रखने की सलाह होगी। राइट, अब ऑफशोर कंपनियों में क्या किया जाए? और जो सेटअप बना है पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में, चाहे वो डॉल्फिन हो, अबान हो, जीओएल ऑफशोर हो, या फिर एक्सप्लोरेशन कंपनी में सलान एक्सप्लोरेशन, किसी स्टॉक पे बेट लगाया जा सकता है क्योंकि बहुत स्ट्रांगली बिकवाली थी और अब निचले स्तरों से खरीदारी है जो इन स्टॉक को आज के सत्र में 13-14% उछाल देखने को मिल रहा है कई स्टॉक्स में। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, डॉल्फिन ऑफशोर अगर हम देखते हैं तो एक अच्छा खासा इसमें मूव आता हुआ नजर आ रहा है। मैं मानता हूँ कि इसमें भी अभी भी खरीदारी करने की मैं सलाह दे सकता हूँ। इसमें फिलहाल जिस तरह से ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, एक बुलिश मोमेंटम है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। करीबन 103-104 रुपए के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 14% ऊपर है ये स्टॉक। ये मोमेंटम जारी रहेगा, मैं मानता हूँ कि 109 के लक्ष्य भी ये स्टॉक हासिल करता हुआ नजर आएगा। चलिए अब ये स्टॉक देखिए, कोहिनूर फूड्स, क्योंकि आज के दिन का जो स्तर है वो है 60.90 रुपये का, लेकिन अगर पिछले तीन दिन में देखें तो यहाँ पर 34% कमाई हो चुकी है। आज इम्पोर्टेंट ये है कि ओपन हुआ था 62-70 पे, उस लेवल को हासिल नहीं कर पा रहा है, तो क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए कोहिनूर पे आज ही, या फिर आपको लगता है कि इस हफ्ते जो खरीदारी बनी है वो नेक्स्ट वीक कंटिन्यू हो सकती है? रजत जी, अगर हम देखते हैं तो ये जो 62.5 का लेवल है ये अक्टूबर महीने के मिड में इस स्टॉक ने टेस्ट किया था और वहां से वापस ये फॉल आता हुआ नजर आया था और उसके बाद वापस रिकवरी आई है। 62.5 एक अहम लेवल है, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जिनके पास पोजीशन है वो प्रॉफिट बुक कर ले यहाँ पे, और अगर नई पोजीशन किसी को खड़ी करनी है तो 62.5 क्रॉस होने के बाद ही नई पोजीशन खड़ी करनी चाहिए, तब तक नहीं करनी चाहिए, ऐसी मेरी सलाह होगी। चलिए, और कुछ शेयर्स जहां पर आज के सत्र में खरीदारी बन रही है, इसमें एक सुदर्शन केमिकल्स शामिल है, निचले स्तरों से एक रिवर्सल वीकली चार्ट्स पे दिखाई दे रहा है। सर, चार ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक में लगातार खरीदारी हो रही है सुदर्शन केमिकल पे, क्या आप बेट लगाएंगे आप 344 के लेवल पे? यस डेफिनेटली, यहाँ पे मैं एक बेट लगाना चाहूंगा क्योंकि निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी स्टॉक में आई थी। 290 लेवल से जिस तरह से स्टॉक उछला है, वॉल्यूम उतने ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन आज जिस तरह से वॉल्यूम आ रहे हैं मैं मानता हूँ कि ये मोमेंटम जारी रहेगा। 344 के लेवल पे मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगा। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रेकमेंड करूंगा वो होगा करीबन 330 का, ये पोजिशनल कॉल होगा, और इसके लिए लक्ष्य जो मैं चार्ट के ऊपर देख रहा हूँ वो होगा 360 का। मोरारजी टेक्सटाइल्स देखिए, आज टेक्सटाइल्स शेयर्स का भी दिन है। देखिए, जब बाजार इतने स्ट्रांगली अब गेंस दे रहा है, स्मार्टली गेंस दे रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। मोरारजी टेक्सटाइल वैल्यूएशन प्ले भी है, आज 6.5% ऊपर है टेक्सटाइल क्षेत्र से। अगर मोरारजी पे आप बेट लगाना चाहेंगे, 53.45 आज के दिन का हाई और वहीं पर ही काम काज कर रहा है, क्या करना चाहिए स्टॉक पे? 53.45 पे मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा, नई पोजीशन बनाने की सलाह मैं यहाँ पे नहीं दूंगा क्योंकि इसको करीबन 54 का अगर हम लेवल देखते हैं, तो वहाँ पे पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं तो वहां से स्टॉक नीचे आया हुआ नजर आ रहा है, तो मैं मानता हूँ कि 54 पे अगर क्रॉस करता है तो ही ज्यादा बुलिश मोमेंटम स्ट्रांगली स्टॉक में आता हुआ नजर आएगा, और उस केस में 57 तक जाने की संभावना है। नई पोजीशन नहीं बनाए, जिनके पास लॉन्ग है वो होल्ड करें।